हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग में। तो गाइस, आज है सबसे मेन टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और आज यार बहुत सोचा मैंने इस टॉपिक के बारे में, तभी मैंने वीडियो अपलोड किया आप लोग के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पायरेट्स ट्रेजर चेस्ट जो हमारा इवेंट है एक, तो आज उसका 13 डे है। तो अभी तक मैंने उसे नहीं ओपन किया है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट के बाद हमने ये देखने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिक करके आपको जो एरो देखने को मिलती है, वो ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता चलता कि वो एरो किधर शो कर रही है। मैं नीचे से दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से पता लगे। ये देखो गाइस, आपको इसमें एरो का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, और आप ऊपर से भी देख लो, इसमें सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसे लोकेट कैसे करना है। तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, अभी मैं इसके लेफ्ट में जाता हूँ और फिर हम लोग यहाँ से करते हैं ये। तो अभी भी आपको ये लाइन दिखा रहा है, लेकिन ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आप अपने ऊपर ये अपना जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये साउथ और ये सब, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कहाँ पे होगा आपका ट्रेजर छुपा हुआ। तो जैसे कि ये एरो आया, और ये देखो अब ये चेंज होके इधर दिखाने लगा है, वेस्ट के डायरेक्शन में। तो हम लोग वेस्ट के डायरेक्शन में ही डिक करेंगे, और अभी भी ये सीधा दिखा रहा है, तो हम लोग सीधा ही डिक करते हैं। आप लोग को ऊपर से डायरेक्शन देखना है, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम लोग भी इसके डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होंगे। और ये एरो आपका जहाँ भी मुड़ जाएगा, जहाँ जिस तरफ भी ये अपना मुंह करेगा, तो आपको दोनों तरफ सर्च करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए यार कंपलसरी है, वरना आपको इसके लिए पता नहीं चल पाएगा आपको इसका कि ये एरो किधर शो कर रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं जान पाएगा। अब देखो यहाँ ख़त्म हो गया है डिक का, तो हम लोग इसके बिल्कुल सीधा जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे हमारा डिग वाला ख़त्म हो रहा है। तो अभी हमारा डिग वाला लंबा चल रहा है, और मेरा ये था एंड। तो हम लोग यहाँ से फिर से डिक करना स्टार्ट करेंगे, अभी एरो का डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो हम लोग राइट लेफ्ट दोनों तरफ यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। अभी भी हमारा एरो का डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है हमारा ईस्ट की तरफ, तो हम लोग ईस्ट की तरफ से सर्च करेंगे। और जोन आ गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे फ़ोन में ऐसा दिखाएगा नहीं आपको, धब्बे मरने के पहले दिखाता है ये जोन में, तो मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है, तो आप लोग के लिए बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ये देखो अब हमारा एरो आगे पीछे दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एक बार डिग। अभी भी हमारा एरो लंबा लंबा दिखा रहा है, तो अभी भी हम लोग ऐसे करने वाले हैं, एंड तक करेंगे। चलो यहाँ नहीं है, अब आगे आपको बढ़ते रहना है और करते रहना है, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दूंगा, और अरे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपना ये मिल गया है। तो आप लोग को गाइस क्या करना है मैंने बता दिया, नहीं समझ में आया एक बार फिर इस वीडियो को देखना, और फिर भी ना समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपका एरो का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है, ऐसे सीधा सीधा दिखा रहा है, वेस्ट और पीछे हमारा ईस्ट होगा, तो आपको ऐसे करके पूरा अपना जितना बाउंड्री है वो अपना ट्रेजर लोकेट करते रहना है। और जैसे आपका एरो ऐसे दिखाने लगे नॉर्थ और पीछे जो भी डायरेक्शन हो, तो आपको अपना एरो पूरा ऐसे करके, बिल्कुल आप समझ लो आपको अपना जो मैप होगा वो बांट लेना है, और आपका जो भी लोकेशन होगा आपको याद रखना है कि मैं कहाँ कहाँ पहले जा चुका हूँ, ठीक है गाइस। और डायरेक्शन से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना डायरेक्शन के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एरो का आपका डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, और आपको समझ में आ गया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, क्योंकि और भी लोगों को नहीं पता है इस वीडियो इस ट्रेजर को कैसे लोकेट करें, इस एरो को कैसा डायरेक्शन पहचानें। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई है, मुझे भी हुई थी, पहले दूसरे दिन दोनों बार हुई थी, और ये गाड़ी नहीं निकलने वाली, तो दोनों दिन मुझे प्रॉब्लम हुई। जैसे अपडेट आया है और आज दूसरा ही दिन है, तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने ये ढूंढ लिया, ऐसा ही तरीका है जिससे आप कर सकते हो अपने एरो को लोकेट। सीधे आपको बिल्कुल लाइन में चलते रहना है जिस तरफ एरो दिखाएगा, और जैसे एरो का डायरेक्शन चेंज होता है, आपको अपना एंड पूरा अपना एक रेंज देख लेनी है कि किस रेंज में आपका ट्रेजर छुपा हुआ है, तभी आप इसे लोकेट कर पाओगे। तो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, कल दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे। और गाइज, एक बात और है मैं आपको बताना भूल गया, हमारे जो भी हमारा वीडियो होगी उसके नीचे हम लोग एक कमेंट करेंगे, तो उस कमेंट का आपको आंसर देना होगा, और जो भी बंदा 1 हफ्ते तक सही आंसर देगा, कल से लेके 1 हफ्ते तक, उसको हम लोग देंगे
50 डायमंड्स कोडा शॉप से, ठीक है गाइस। और आपको सही आंसर देना है, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप रिपीट मत करो अपना आंसर। तो आपको एक ही अपना आईडी से आंसर देना होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा उसका बिल्कुल सही आंसर देना होगा। एडिट नहीं करना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए छोड़ देना, एडिट मत करना। हम आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन देंगे और आपको आंसर देना है। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।